बच्चों प्लीज रीड द क्वेश्चन। टू आइडेंटिकल रॉड्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स हूज थर्मल कंडक्टिविटीज आर K1 एंड K2। दे आर प्लेस्ड एंड टू एंड बिटवीन टू हीट रिजर्वॉयर्स एट टेम्परेचर्स θ1 एंड θ2। द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन ऑफ द रॉड इज। सो बच्चों गिवन है हमें दो आइडेंटिकल रॉड्स। अब यहाँ जो आइडेंटिकल वर्ड है इससे हमें क्या पता चलता है कि रॉड्स की लेंथ सेम है, इनके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस भी सेम है, बट ये डिफरेंट मटेरियल से बने हैं जिनकी कंडक्टिविटीज गिवन है हमें K1 एंड K2, मतलब इनका जो रेट ऑफ हीट कंडक्शन होगा वो भी डिफरेंट होगा। अब बच्चों हम लोगों ने उनको एंड टू एंड ज्वाइन किया, सपोज दिस इज रॉड 1 एंड दिस इज रॉड 2, और यहाँ रॉड 1 का जो लेफ्ट एंड है वो θ1 पर मेंटेन्ड है, रॉड 2 का जो राइट एंड है वो θ2 पर मेंटेन्ड। रॉड 1 का किस पर मेंटेन्ड है? θ1 पर, रॉड 2 का θ2 पर मेंटेन्ड है। तो हमें फाइंड करना है कि इस जंक्शन का टेम्परेचर क्या होगा जहां दोनों मटेरियल्स ज्वाइन होते हैं। तो बच्चों इसके लिए हम मान लेंगे कि स्टेडी स्टेट अप्रोच है इसमें। स्टेडी स्टेट अप्रोच मीन्स क्या हुआ कि जो हीट करंट है दोनों रॉड्स में वो सेम है, दैट इज H1 = H2। इट मीन्स Q/T इन फर्स्ट रॉड, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इन फर्स्ट रॉड इज सेम एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इन द सेकेंड रॉड। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम हीट फ्लो का फॉर्मूला ले लेते हैं, KA मल्टीप्लाइड बाय द टेम्परेचर ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो यहाँ से हमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का मिल जाएगा KA मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो बच्चों इसको हम क्या लिखेंगे, हीट करंट इन द फर्स्ट रॉड को हम लिखेंगे K1 A1। अब A1 एंड A2 तो सेम है, स्टिल हम लोगों ने यहाँ सब्सक्रिप्ट लगाया हुआ है। अब θ1 और जंक्शन का टेम्परेचर हम मान लेते हैं यहाँ पर थीटा, तो हमें टेम्परेचर डिफरेंस कितना मिलेगा θ1 - θ, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द फर्स्ट रॉड, दिस इज इक्वल्स टू K2 A2 विद इन ब्रैकेट आ जाएगा हमारे पास θ - θ2, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय L2। अब क्योंकि एरियाज एंड लेंथ तो सेम है दोनों रॉड्स के, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ से हम लोग थीटा निकालने की कोशिश करेंगे, सो दिस इज K1 θ1 - K1 θ = K2 θ - K2 θ2। तो थीटा की टर्म्स को एक साइड में ले लेंगे, सो वी गेट K1 + K2 आउटसाइड द ब्रैकेट एंड थीटा, एंड दिस इज इक्वल्स टू K1 θ1 + K2 θ2। तो यहाँ से हमें टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन मिलता है K1 θ1 + K2 θ2, and this is all divided by K1 + K2, so correct answer will be option number B. Thank you.